नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। हाथरस गैंगरेप पीड़िता की मौत के बाद सियासी घमासान मचा हुआ है। पीड़िता के गांव में किसी के आने जाने पर रोक है। पुलिस ने पूरा गांव एक अवैध किले में तब्दील कर दिया है। हालांकि मीडिया को गांव में एंट्री दे दी गई है। इस बीच पीड़िता के भाई ने आरोप लगाया है कि उनका फोन टैप किया जा रहा है। पीड़िता के भाई ने कहा कि उनके घर जब भी कोई मीडिया वालों से बात करता है तो जिलाधिकारी प्रवीण कुमार को खबर हो जाती है। इस बीच एक न्यूज चैनल ने भी दावा किया है कि उनकी एक महिला पत्रकार और पीड़िता के भाई के बीच हुई कथित बातचीत का ऑडियो वायरल हो रहा है। इस पूरे मामले पर कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से इस्तीफा मांगा है। प्रियंका गांधी ने इंडिया टुडे की ओर से शेयर की गई एक सूचना को ट्वीट करते हुए कहा कि योगी जी, आपको नैतिक रूप से मुख्यमंत्री रहने का कोई अधिकार नहीं है, आपको अपना इस्तीफा सौंप देना चाहिए। इंडिया टुडे ने फोन टैपिंग को लेकर एक अधिसूचना जारी की है, जिसमें लिखा है कि पीड़िता का भाई और उनकी एक महिला रिपोर्टर के बीच मोबाइल पर हुई बातचीत का ऑडियो सोशल मीडिया पर शुक्रवार की शाम को वायरल हुआ। मीडिया संस्थान ने सवाल उठाए हैं कि आखिर उनकी महिला रिपोर्टर का मोबाइल फोन क्यों टैप किया जा रहा था, और अगर उनकी महिला रिपोर्टर का मोबाइल टैप नहीं हुआ तो पीड़िता के भाई का फोन क्यों टैप किया गया। इंडिया टुडे ने सरकार से इस मामले में जवाब मांगा है। संस्थान ने लिखा है कि सरकार को इस बात का जवाब देना ही होगा कि आखिर पीड़िता के परिवार को नजरबंद क्यों किया गया और फोन टैप क्यों किया जा रहा है। संस्थान ने यह भी दावा किया है कि ये सारे फोन रिकॉर्डिंग पुलिस के अधिकारियों द्वारा ही लीक किए गए हैं, क्योंकि फोन टैपिंग की रिकॉर्डिंग अधिकारियों के पास ही होती है। बता दें कि तमाम दबावों के बाद योगी सरकार ने मीडिया को पीड़ित परिवार से मिलने की अनुमति दे दी है। हालांकि राजनीतिक दलों के गांव में प्रवेश पर रोक लगी हुई है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।